चंद्रपुर के निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार लंबी जदोजहद के बाद आज आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए। प्रवेश समारोह वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता हंसराज अहिर की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इसके चलते अब जोरगेवार को चंद्रपुर से बीजेपी का उम्मीदवार माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जोरगेवार प्रमुख राजनीतिक दलों के नामांकन के लिए प्रयास कर रहे थे। वह शरद पवार से मिलने गए थे, लेकिन वहां उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी का इंतजार किया। इसमें उनका पुरजोर समर्थन बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर ने किया है। इसलिए मुनगंटीवार की अनिच्छा के बावजूद पार्टी ने जोरगेवार को पार्टी में शामिल होने का आदेश दिया और मुनगंटीवार ने आज उस आदेश पर अमल किया है। हंसराज अहिर ने जाहिर तौर पर कहा था कि अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जोरगेवार को भाजपा में प्रवेश दिलाते तो मैं जोरगेवार का तहे दिल से पार्टी में स्वागत करूंगा। आज जोरगेवार के साथ महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष नम्रता थेमसकर और कई अन्य लोगों ने प्रवेश लिया है। शुरुआत में मुनगंटीवार ने जोरगेवार के नाम का कड़ा विरोध किया, लेकिन पार्टी के फैसले के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। इससे मुनगंटीवार समर्थकों में भारी असंतोष है। सवाल ये उठा है कि इस असंतोष को कैसे दबाया जाएगा और क्या नेता इसमें सफल होंगे। पक्षाच्या माध्यमातून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये या दोन नेत्यांच्या व त्यांच्या असंख्य कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशामुळे भारतीय जनता पार्टीला समाजाची सेवा करण्याचं जे मिशन आहे त्यामध्ये अजून गती प्राप्त होईल। महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार यावं यासाठी महाराष्ट्रामध्ये माननीय एकनाथ शिंदेजीच्या नेतृत्वात, माननीय देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात व माननीय अजितदादांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते या चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा जिंकण्याच्या दृष्टीने पूर्ण शक्तीनी प्रयत्न करीत आहे। आपल्या माध्यमातून मी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दीन दुर्बल शोषित पीडित सर्व मतदारांना आवाहन करतोय की या जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी महायुतीने आतापर्यंत 5 उमेदवार घोषित केले आहेत आणि 6वा उमेदवारही आता दुपारी 2:00 नंतर घोषित होईल। या सर्व उमेदवारांच्या विजयासाठी आपल्या मतरूपी आशीर्वाद द्यावा असं आपल्या माध्यमातून मी चंद्रपूर जिल्ह्यातील जनतेला आवाहन करतो आहे। श्री किशोर जोरगेवार व श्रीमती नम्रताताई ठेमसकर यांच्यासोबत जे असंख्य कार्यकर्ते आज प्रवेशासाठी या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित झाले आहेत, मी त्यांचंही भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता नेता म्हणून त्यांचंही पक्षामध्ये स्वागत करतो। निश्चितपणे आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश झालेला आहे। आज हा माझ्या दृष्टिकोनातून एक अतिशय महत्वाचा दिवस आहे। ज्या पार्टीकरता ज्या पार्टीमध्ये अनेक वर्ष काम केलं त्या पार्टीमध्ये पुन्हा काम करण्याची संधी मला या ठिकाणी मिळते आहे, त्याबद्दल मी पार्टीच्या सर्व नेत्यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो। असं नसते, पार्टीवर विश्वास नव्हता मला, माझी जर पहिली पसंती कोणती होती तर ती भारतीय जनता पार्टी होती। मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये अनेक वर्ष काम केलेलं आहे, मलाही माहिती आहे, परंतु राजकीय घडामोडींमुळे मला काही वर्ष बाहेर जावं लागलं, 2 निवडणुका लढाव्या लागल्या, एक पराभूत झालो, दुसऱ्यांदा विजयी झालो, परंतु या पार्टीमध्ये यावं हाच माझा विषय होता आणि भारतीय जनता पार्टीने आज माझ्यासोबत न्याय केला। देखिए, जोरगेवार जी का भाजपा में प्रवेश का अर्थ है कि वो घर वापसी है और वो विचारों से ही बीजेपी के थे। किसी अन्य कारणों से उन्होंने भाजपा में कुछ होने की नौबत आई थी, चुनाव जीते, उनकी ताकत है, उनकी लोकप्रियता भी है और उनका भाजपा पर विश्वास भी है, भाजपा नेताओं पर विश्वास है। ये स्पष्ट करते उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दे, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, पक्ष प्रवेश करना चाहते हैं। पार्टी के नेताओं ने प्रवेश दिया है, सम्मान से दिया है, हम उसको सम्मान से रखेंगे, चुनाव में सीट मिलेगी, जीता भी देंगे, जनता से आह्वान करेंगे, वो जीतेंगे, ऐसी हमारा प्रयास रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं उसके प्रवेश का हम स्वागत किया है, बड़ा भारी स्वागत हुआ, आपने देखा है, किसी के दिन में कुछ आकर्ष नहीं है, सभी ने प्रेम से उसको स्वीकार किया। भैया, असली दावेदार जो है बृजभूषण पाजारे भी इस उम्मीदवार के रूप में थे और इन्होंने अभी पक्ष प्रवेश के बाद जो है एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि दलित समाज के साथ अन्याय हुआ है करके, ऐसे इस पर आपकी क्या राय?
देखिए दलित तो जोरगे बार भी है। एनबीसी न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़ी की स्पेशल रिपोर्ट। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.